और विलम्ब संथाल आदिवासियों से, झारखंड वासियों से जो माफी मांगे, केजी से पीजी तक जो है वो सिलेबस लाए। चाहे बीजेपी विधायक और चिकेल भी सांताली भाषा स्टेटमेंट एम लिया है चौक रहे आधार के लिए लगती पड़ा खन जीवित नौका के सनाम पड़ा रहे उनसे ही तो नेता के दौरे आज कारंटी चौक पर अजीत परगना महाल जुगतला तरफ की ओर से परगना बाबा दसमान हल्दा के नेतृत्व में माननीय विधायक सीपी सिंह के द्वारा एक विवादास्पद बयान जो झारखंड प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति आबादी जो संताल समुदाय का जो ओल सिकी लिपि से जो है सरकार द्वारा बजट का प्रकाशन प्रत्येक अखबार में प्रिंट मीडिया में छपी गई थी उस संदर्भ में उसने कहा कि मैं इस भाषा इस लिपि को नहीं जानता हूं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। झारखंड जब प्रदेश अलग किया जा रहा था जब यहां अलग अलग नेतृत्व द्वारा आंदोलन के लिए भूल किया जा रहा था उस समय भी ये बुनियाद था कि यह प्रदेश बनेगा तो आदिवासियों के हितों के लिए बनेगा। यही कारण है कि 2000 में बना और उस राज्य में अगर इस तरह का पारित था तो यहाँ आके विधायक बनेंगे तो इस तरह से दुष्प्रचार आदिवासी संस्कृति उनकी लिपि उनकी भाषा संस्कृति और पहचान को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे तो आदिवासी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिएगा प्रत्येक चीज में यहाँ पे गवर्नेंस का बात हो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र का बात किया जाता है जहाँ पे मोर देन 50% जो है ट्राइबल लोग है उनका विशेष तरीका से रहन सहन है उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है उस व्यवस्था को अगर आप नहीं पहचानेंगे तो यहाँ से भागना पड़ेगा। आपको मालूम होगा प्रत्येक उस पीढ़ी में हमारे समुदाय के लोगों ने एक आंदोलन या हुल जैसे उलगुलान जैसे महा विद्रोह को भी अंजाम दिया है तो उन्हें उन सभी चीजों को भी याद रखना चाहिए क्योंकि आज यदि आदिवासी का प्रत्येक चीजों में अत्याचार और शोषण हो रहा है तो ऐसे ना समझी ना समझ संविधान को नहीं समझने वाले MLA जो एक संविधान के तहत बनते हैं वो लोग इस तरह से भूल जुल का बातें कर रहा है। आदिवासी समाज संताल समुदाय और उनकी जो व्यवस्था है माझी परगना महाल और तमाम लोग इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस तरह से उलझुल बातें किया जाएगा तो इन क्षेत्रों में वैसे विधायकों का जो है आना जाना वर्जित कर दिया जाएगा क्योंकि आप जानते हैं ये लोग गुड गवर्नेंस और पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये हमारा व्यवस्था की तरफ से माझी परगना महाल की तरफ से आप यहाँ स्लोगन भी देख रहे थे हम उनको चेतावनी दे रहे हैं और माफी मांगने का एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आप माफी नहीं मांगिएगा तो आपका सामाजिक स्तर से और इससे बड़ा आंदोलन हम लोग भी गुजरेंगे। सीपी सिंह मुर्दाबाद 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 सीपी सिंह मुर्दाबाद 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 सीपी सिंह झारखंड छोड़ो झारखंड छोड़ो झारखंड छोड़ो सीपी सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ सीपी सिंह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। परगामा अपना परिचय दीजिए। परगामा राम राय हल्दा धार दिशोम प्रेस प्रवक्ता। परगामा मांगो ये 2-3 मिनट आज जो है सीपी सिंह विधायक आज जो है जुगतला तरफ में सीपी सिंह विधायक का जो है पुतला दहन किया गया क्योंकि ये विधायक जो है यहाँ की हितैषी नहीं है क्योंकि झारखंड बना है तो झारखंडियों के लिए है और झारखंड का सांस्कृतिक झारखंड का पहचान को मिटाने के लिए सीपी सिंह खुले हुए हैं। इस जैसे लोगों को झारखंड में जीने का अधिकार नहीं है। आज झारखंड के आदिवासी सम्मान पूर्वक आप लोगों को यहाँ जीने और आने का
सम्मान देता है, लेकिन आप हमारे साथ हमारा भाषा हमारा संस्कृति हमारा कल्चर के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो निश्चित रूप से आदिवासी आपको यहाँ से भगाएंगे। मांग हमारी मांग है कि सीपी सिंह अविलंब संथाल आदिवासियों से झारखंड वासियों से जो माफी मांगे और सरकार से मांग और सरकार से भी हमारे मांग है कि ओल चिकी लिपि से जो है ओल चिकी लिपि से जो है वो केजी से पीजी तक जो है वो सिलेबस लाए, क्योंकि झारखंड केवल झारखंड ही नहीं भारत की आठवीं अनुसूची में जो संथाल भाषा जो है वो वहाँ पे जो है सम्मान सम्मिलित है, इसीलिए ये झारखंड में भी जो है शिक्षक बहाली करते हुए बहाली करते हुए जो है संथाल भाषा को जो है झारखंड के राजभाषा के रूप में दर्ज करें। 10वां थसदा जुग सलाय तरफ परगना।